हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम शुरू करने वाले हैं। और इससे पहले के सारे चैप्टर्स आप पढ़िए, समझिए, उनको सॉल्व करिए, याद करिए। इस चैप्टर को भी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, समझेंगे, रीडिंग करेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट्स होगा पूछेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि भाई हमने पहले ये जाना है कि जो एटम्स होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो होते हैं फंडामेंटल मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी मैटर के। मतलब कि जो भी मैटर होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दिस इज व्हाट वी हैव टू नो। एंड नाउ वी हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटेड देम। देखिए अलग अलग तरह के मैटर होते हैं क्योंकि अलग अलग तरह के एटम्स उनको बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई क्या है ऐसा जो एटम एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग करता है। और दूसरी चीज़, क्या एटम जो है रियली मतलब इंडिविजिबल हैं, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता जैसा कि डाल्टन ने बोला, क्या ये सही है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी जानेंगे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो सब क्या हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनके बारे में जानेंगे, वेरियस मॉडल्स के बारे में जानेंगे जो मतलब प्रपोज किए जाएँ कि कैसे ये पार्टिकल्स अरेंज होते हैं एक एटम में, उन सभी मॉडल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे ये पार्टिकल जो है एक एटम में अरेंज होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज विद इन एटम। और यस, ये पॉइंट्स क्लियर है। इसके बाद आ रहा है कि एक मेजर चैलेंज जो था साइंटिस्ट के सामने वो था कि भाई कैसा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जानना कि भाई जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो कैसा है, और उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे, ये एक्सप्लेन करना कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है वो एक्सप्लेन करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं वो एक्सप्लेन करना। तो कैसा मतलब स्ट्रक्चर था एटम का, ये सारा जानने की मेन कोशिश की जा रही है। तो फर्स्ट मतलब जो इंडिकेशन थे कि जो मतलब एटम्स है वो इंडिविजिबल है, वो कहाँ से आया था, वो आया था स्टडीइंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टडी करने के बाद जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करने के बाद आया था। और जो कंडीशंस होती हैं अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस, और वो कंडीशंस जिनके अंदर जो होती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है अलग अलग सब्सटेंसेस के बारे में, उससे आया। इससे ये पता लग रहा था कि भाई एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। तो यहाँ से मतलब इंडिकेशन मिला कि जो एटम्स है वो दे आर नॉट इंडिविजिबल, वो इंडिविजिबल नहीं है। अब क्या क्या आ रहा है, चलिए इन बातों को छोड़िए, थोड़ा सा ऐसे शुरू में बताने के लिए होता है, थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए क्या पढ़ा आपने क्या नहीं। अब सबसे जो मेन पार्ट चीज आ रहा है वो हमारा आ रहा है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, तो इसको समझने के लिए कि भाई किस तरह से नेचर होता है चार्ज पार्टिकल्स का मैटर में, हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, ये जानेंगे नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, मैटर में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, इसको जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ बताया कि कॉम करो ड्राई हेयर को, क्या कॉम करके जैसे होता है ना अपने बालों में कंघी रगड़ के, फिर हम छोटे छोटे पेपर के टुकड़े अगर चिपकाते हैं उसमें चिपकता है, बचपन में हम लोग ये सब खेलते थे करके, देखो ये जादू वगैरह ऐसा बोलते थे हम लोग। तो क्या होता है जब कंघी को रगड़ते हैं बालों में, फिर छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को चिपकाने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें चिपकने लगते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मतलब कैसे इसमें चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं अब भाई कि जो ये एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, इस एक्टिविटीज़ से क्या समझ में आ रहा है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स, अगर हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। वो कैसे होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज, क्या वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, कहाँ से ये चार्ज आता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई नोइंग दैट एन एटम इज
डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। इससे ये पता लगता है कि भाई जो एटम है उसको डिवाइड कर सकते हैं हम और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल से वो कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की बात है कि देखिए जो एटम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। जो पहले डाल्टन ने बोला था वो बात यहाँ देखो तो गलत हो गई अब, कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे ये आ रहा है कि एन एटम इज डिविजिबल, एटम डिवाइड किया जा सकता है और वो किससे बना होता है, कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो बना होता है चार्ज पार्टिकल्स से, ठीक है। अब बहुत से साइंटिस्ट ने मतलब कंट्रीब्यूट किया है ये रिवील करने के लिए कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम में, मतलब ये मतलब बताने की कोशिश की द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एटम। बहुत से साइंटिस्ट ने कोशिश किया ये बताने का कि चार्ज पार्टिकल्स एटम में होते हैं, और ये 1900 तक पता लग गया दैट एटम वाज नॉट अ सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम जो है मतलब एक सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है ये 1900 का, बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। तब तक ये पता लग गया था कि कम से कम उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब एटम से भी एक नीचे का कोई एक पार्टिकल है जो एटम के नीचे है, ठीक है। क्या है वो, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड जे जे थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन किसने आइडेंटिफाई किया था, जे जे थॉम्सन ने। ये याद रखिएगा नाम वगैरह, जे जे थॉम्सन ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि इलेक्ट्रॉन, किसकी बात आ गई अब, इलेक्ट्रॉन की बात आ गई कि एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो एटम इज गोइंग टू कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफाई होने से पहले ही ई गोल्डस्टन ने 1886 में डिस्कवर किया था प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल वेव्स, ठीक है। ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, जो ई गोल्डस्टन है, इन्होंने बहुत पहले ये डिस्कवर किया था, क्या, प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज, एक गैस डिस्चार्ज, इन्होंने प्रेजेंस ऑफ एक न्यू रेडिएशन को देखा और जिसको उन्होंने कहा ये कैनाल रेज हैं, वो क्या हैं, कैनाल रेज हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये पहले कह दिया था ई गोल्डस्टन ने, और ये बताया कि भाई दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस, और ये भी बताया कि ये रेज कैसी हैं, ये रेज क्या चार्ज है उनके ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस है, ठीक है। ये रेज कैसी हैं, दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसकी वजह से एक और सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता लग गया कि भाई ये जो रेज हैं ये तो पॉजिटिवली चार्ज हैं, रेडिएशंस हैं, इससे एक और सब एटॉमिक पार्टिकल का पता चला। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इससे ये पता लगा भाई इलेक्ट्रॉन के पास तो होता ही है जो चार्ज होता ही है वो तो, लेकिन इसमें ये पता लगा ये कोई दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास बराबर मैग्नीट्यूड का, बराबर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, लेकिन इसका मतलब ये अपोजिट साइन होता है इसका, मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल, इसके पास भी एक चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड का है, लेकिन ये अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये भी चीज़ें पता लगी धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे यहाँ पे किस तरह से डिस्कवरीज होती जा रही हैं। इट्स मास वाज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज द ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना इसका मास था, ठीक है। इट वाज गिवन द नेम प्रोटॉन, इसका नाम क्या हो गया, प्रोटॉन, इसका नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन। तो यानी कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज़ें मिल गई अब, ठीक है। अगर जनरल तरीके से बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई नेगेटिव क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज पी पॉजिटिव क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों का बराबर बराबर मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई नेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला, और प्रोटॉन क्या होता है, पी पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला। तो इस तरह से सिंपल तरीके से दिखा दिया, ठीक। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज वन यूनिट, जो मास होता है प्रोटॉन का उसको माना गया वन, एंड इट्स चार्ज एज प्लस वन, और इसका चार्ज क्या मान लिया गया, प्लस वन, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास माना गया वन यूनिट और इसका चार्ज माना गया प्लस वन। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या माना गया, नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर, एंड इट्स चार्ज इज माइनस वन, और इसका चार्ज क्या माना गया, माइनस वन। तो देखिए प्रोटॉन में क्या मिला, प्रोटॉन का मास वन यूनिट रखा गया, माना गया, और इसका चार्ज प्लस वन माना गया, ठीक।
और जो इलेक्ट्रॉन था इसका मास नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर, कुछ भी नहीं था, और इसका चार्ज -1 माना गया। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ के समझ के दिमाग में बिठाते जाना है, फिर इसके बेसिस से पूरी सारी आपको समझ में आएंगी। ठीक, अब बोल रहा है इसके बाद कि इट सीम्ड हाईली लाइकली दैट एन एटम वॉज कम्पोज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये ज़्यादातर माना जाने लगा, भाई जो एटम है वो किससे बना है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना है। ठीक है, ये माना जाने लगा कि जो एटम है वो किससे बना है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना है। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, और ये एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जाना जाने लगा कि भाई जो एटम है वो किससे बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, और उनके चार्जेस म्यूचुअली बैलेंस हो जाते हैं। और ये भी हुआ कि भाई जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, प्रोटॉन कहाँ थे, इंटीरियर ऑफ द एटम, मतलब एटम के अंदर के हिस्से में, इंटीरियर ऑफ द एटम, फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स कुड इजली बी पील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स। ऐसा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है आसानी से निकाले जा सकते हैं लेकिन प्रोटॉन्स नहीं, मतलब प्रोटॉन्स अंदर और इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ, ऐसा कुछ। ठीक है, नाउ द बिग क्वेश्चन वॉज वॉट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड द दीज पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म। अब किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये बात आ गई। अब ये सारी बातें आपने समझ ली कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात किस तरह से हो रही है। देखिए, एक एक लाइन एक एक शब्द पे यहाँ ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अगर आपने एक लाइन एक शब्द भी छोड़ दिया तो बात समझ में नहीं आने वाली आपको, है ना। इसलिए मैं एक एक लाइन एक एक शब्द पूरा आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल की साइंस है ये। अगर एक भी शब्द आपने छोड़ दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, क्या चार्ज है, क्या नहीं है, कैसे स्ट्रक्चर बना, क्या बना, सब कुछ समझना, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सीखना इसको। ठीक है, फिर चलिए, यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ये पूरा अच्छे से रीड करिए, पूरा ध्यान से सुनिए, जो नहीं समझ में आया पूछिए, उसके बेसिस ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सबको पूरा सॉल्व भी करना है। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब जानिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। भाई एटम को हमने जान लिया किससे बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमने पहले लर्न किया कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, जिसमें ये किया था कि भाई एटम इज इंडिविजिबल, जिसने ये कहा कि भाई एटम वाज इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको फर्दर नहीं खोल के देख सकते क्या है उसमें। लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की एटम के अंदर होते हैं, ये लेड टू द फेलियर ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई तो ये हो गया भाई डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो फेल हो गई। ठीक, इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो। अब ये जानना जरूरी होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अरेंज होते हैं एटम में। अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया भाई कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, हाउ दे आर अरेंज विद इन एन एटम। अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम में अरेंज होते हैं। तो इसके लिए मैनी साइंटिस्ट ने प्रपोज किया वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। तो भाई कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम में अरेंज होते हैं, तो एटम्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीज़ें करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए। तो उसके बाद आ रहा है जे जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये याद रखिएगा, जो जे जे थॉमसन थे ये पहले आदमी थे जिसने प्रपोज किया मॉडल एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल प्रपोज किया। किसने, जे जे थॉमसन ने, याद रखिएगा, जे जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो जे जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज किया जिससे ये बताया भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, इसके बारे में जानेंगे भाई थॉमसन ने क्या प्रपोज किया कि एटम का मॉडल कैसा होगा। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन एक एक शब्द समझा रहा हूँ। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से रीडिंग करिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग। तो थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रपोज किया, वो इन्होंने ये कहा कि ये क्रिसमस पुडिंग की तरह है। ठीक है, क्रिसमस की पुडिंग मतलब खीर होता है, एक खीर की तरह है। इसमें क्या होगा,
द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करेंट्स, मतलब ड्राई फ्रूट्स की तरह. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज के स्फेयर में ड्राई फ्रूट्स की तरह हैं. इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग, मतलब एक गोल स्ट्रक्चर में ये होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स किस रूप में है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ड्राई फ्रूट्स की तरह एक स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के अंदर, एक स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग में. ठीक है. वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन. हम किसकी तरह सीख सकते हैं? वाटरमेलन मतलब तरबूज, तरबूज की तरह भी सोच सकते हैं, वाटरमेलन की तरह भी सोच सकते हैं. तो इसमें क्या होगा? द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर. जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो चारों तरफ फैला होता है, लाइक द रेड एडिबल पार्ट. जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में कहाँ फैला होता है? चारों तरफ फैला होता है. जैसे कि लाल पार्ट होता है वाटरमेलन में खाले वाला, वाटरमेलन में. ठीक है. तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो चारों तरफ. व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होंगे? बीच बीच में घुसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के बीच बीच में घुसे होंगे. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या दिखाया. देखो ये बहुत अच्छे से दिखाया गया. यहाँ पर क्या दिखाया? देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे तरबूज में बीज होते हैं बीच बीच में. तो ये है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. थॉमसन ने ये प्रपोज किया कि भाई इस तरह से है ये पुडिंग मॉडल, है ना, जिसको बोलते हैं क्रिसमस पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, ऐसा बोल सकते हो. जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में इसमें होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह हो गए? सीड्स की तरह एक वाटरमेलन में. तो ये आप देख सकते हैं, मान लो ये पूरा बड़ा सा वाटरमेलन है तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर हो गया. ठीक है. और इसमें बीच बीच में जो सीड है वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है थॉमसन मॉडल का एक एटम का. तो उन्होंने बोला कि भाई थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ऐसा है, इसमें ऐसा है हमारे एटम का स्ट्रक्चर. पूरा पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, बीच बीच में सब जगह इलेक्ट्रॉन्स पूरे फैले हुए हैं. ठीक हो गया, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक. अब चलिए थॉमसन के बारे में जानिए. जे जे थॉमसन क्या है? 1856 टू 1948 की ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं. ठीक है. और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1906 में, क्योंकि इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए इनको 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में. ठीक है. तो अब थॉमसन ने क्या प्रपोज किया ये देखते हैं. अब थॉमसन ने क्या प्रपोज किया भाई? थॉमसन प्रपोज दैट, क्या बोला थॉमसन ने? जे जे थॉमसन ने बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. एटम कैसा होता है? एक स्फीयर होता है, एक गोलाकार होता है, ऐसा होता है. एक गोल होता है पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है. एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. और इसके अंदर बीच बीच में नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इधर उधर घुसे होते हैं. ठीक है. सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बताई कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. जो एक एटम होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर का बनता है, गोलाकार होता है. स्फीयर मतलब गोला. एक पॉजिटिव चार्ज का एक गोला होता है जिसके अंदर बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. ठीक. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो जो इतना पॉजिटिव चार्ज होगा वो और ये जो नेगेटिव चार्ज होगा बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स का, वो सारे का मैग्नीट्यूड बराबर, एक दूसरे का मैग्नीट्यूड उनको बराबर होगा, जिसकी वजह से एटम क्या है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है. तो एटम के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा, एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा. ठीक है. एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा. तो एटम न्यूट्रल होगा, ये याद रखिएगा आप. एटम जो है वो न्यूट्रल होगा. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ठीक है. इसके बाद आ रहा है एक और चीज़ बताई इन्होंने कि भाई ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन्ड द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. हालांकि थॉमसन के मॉडल ने क्लियर कर दिया था कि जो एटम है वो कैसा है? न्यूट्रल है. द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल. तो बाद में ऐसा मतलब नहीं हो पाया कि ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पाया.
इस मॉडल के द्वारा जो ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था बाद के जो रिसर्च हुए एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। तो ये एक्चुअली रहा हमारा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। इसके बाद दूसरा है रदरफोर्ड, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, आज इसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक है। थॉमसन मॉडल पढ़ लिया आपने, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जान लिया, ये कुछ बेसिक चीज़ें जान ली चार्ज पार्टिकल मैटर में। इस तरह से हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ये कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको पहले आप पढ़िए, समझिए, रीड करिए, इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं उनको सॉल्व करिए, वीडियोस देखिए, इनमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे और भी ज़्यादा सर्च करिए और ज़्यादा समझिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझसे भी पूछिए, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके और अच्छे से बताऊँगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़िए, समझिए, जो ना समझ में आए पूछिए। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, कल ये स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।